एस एस कांस्टेबल भर्ती 2021 लेटेस्ट अपडेट नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जी हां दोस्तों एस एस कांस्टेबल भर्ती 2021 के ऑनलाइन फॉर्म भरे जा चुके हैं साथ ही एस की तरफ से दोस्तों ऑफिशियली एग्जाम डेट भी जारी की जा चुकी है परंतु दोस्तों लगातार आपको दो खबरें देखने को और सुनने को मिल रही होगी पहली ये कि लाखों अभ्यार्थियों के आपके फॉर्म है वो रिजेक्ट होने वाले हैं इसको लेकर अभ्यार्थी काफी ज्यादा परेशान है कि कहीं उनका फॉर्म तो रिजेक्ट नहीं हो जाएगा दूसरी खबर दोस्तों ये आपको देखने को सुनने को मिल रही होगी कि आपकी एग्जाम एग्जाम डेट है है उसमें बदलाव आपका आपका होने वाला सोलह नवंबर से नहीं होगा तो दोस्तों इन दोनों खबरों के बारे में पूरा डिटेल से हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि क्या एग्जाम डेट में बदलाव होगा इसी के साथ किन अभ्यार्थियों का फॉर्म रिजेक्ट होने वाला है और किन अभ्यार्थियों का फॉर्म दोस्तों आपका रिजेक्ट नहीं होगा तो यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और महत्व पूर्ण रहने वाला है तो इस वीडियो को अंत तक और कंप्लीट आप जरूर देखेगा ताकि आप तक हर एक एक जानकारी है वो कंप्लीट पहुंच सके साथ ही वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेलाइकन जरूर प्रेस कर लें क्योंकि लगातार दोस्तों एस एस सी भर्ती दो से संबंधित हर लेटेस्ट जानकारी हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते हैं और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएगा कि आप हमारा वीडियो कौन से राज्य से देख रहे हैं साथ ही आप ये भी कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपके फॉर्म में क्या गलती आपने की है और दोस्तों एग्जाम डेट आपकी आ चुकी है तो और बहुत कम समय आपके पास है तो कम समय में बेहतरीन तैयारी के लिए हम आपके लिए लेके आ चुके हैं चक्सु पब्लिकेशन की एस एस सी जी डी कॉन्स्टेबल भर्ती दो हजार इक्कीस के दोस्तों त्रेपन परवीस सोलो पेपर जी हाँ दोस्तों इन पेपर से आपको ये हेल्प मिलेगी क्योंकि एस एस सी में दोस्तों हर एग्जाम में आपके पिछले एग्जाम के क्वेश्चन है वो काफी ज्यादा रिपीट होते हैं तो इसमें दोस्तों इसी के साथ बासठ सौ प्लस आपके है बहुविकल्प यानी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं तो इस बुक को अगर आप खरीदना चाहते हैं या अपने घर मंगवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों हमने लिंक दे दिया है साथ दोस्तों मार्केट से भी इस बुक आप खरीद सकते हैं तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं जो लगातार अभ्यार्थियों को सुनने को मिल रहा है और दोस्तों इसको लेकर अभ्यार्थी परेशान है कि किन किन अभ्यार्थियों का दोस्तों फॉर्म रिजेक्ट होगा क्योंकि हाल फिलहाल में एसएससी एमटीएस के एडमिट कार्ड आए हैं तो किन अभ्यार्थियों का एसएससी ने फॉर्म रिजेक्ट किया है वो हम आपको बता देते हैं तो सबसे मोटा और पहला रीज़न ये है कि अगर आपने डेट ऑफ फोटो यानी तो दोस्तों आपकी फ़ोटो डाली थी उसमें यहाँ आपने अपना जो फोटो का डेट था जिस दिन से आपने क्लिक करवाई थी वो नहीं लिखा है तो आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा

अब दोस्तों ऐसा कोई भी इसके अलावा रीजन नहीं है इन तीनों रीजन के अलावा कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा अगर आपने फॉर्म में गलती की है तो वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम चेक की जाएगी अभी कोई भी गलती अगर नाम में है कोई भी गलती आपने फॉर्म में कर दी है तो वो गलती अभी चेक नहीं होगी वो गलती आपका दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के टाइम होगी तो चिंता मत कीजिए अच्छे से आप तैयारी करते रहिए ताकि आपका सलेक्शन हो अब दोस्तों दूसरी बात हम बता दें कि लगातार को को सुनने को मिल रहा है कि एग्जाम डेट में बदलाव होगा तो दोस्तों कोई भी एग्जाम एग्जाम डेट डेट में बदलाव नहीं होगा डेट आपकी 16 नवंबर ही है 16 नवंबर से ही एग्जाम होने वाला है और उनका फॉर्म का स्टेटस जारी कर दिया जाएगा यानी अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट है एक्सेप्ट है, है दिया जाएगा तो समय कम है अच्छी और बेहतरीन तैयारी के लिए दोस्तों आप लगातार पढ़ते रहें किसी भी अफवाह पर आप ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि दोस्तों अगर आपको नौकरी चाहिए तो आप बेहतरीन तैयारी आपको करनी पड़ेगी और बेहतरीन पोस्ट के लिए आपको अच्छे मार्क्स भी लाने और दोस्तों उसको लिए बेहतरीन बुक की भी जरूरत पड़ने वाली है दोस्तों त्रेपन आपके फरविशियर के साथ साथ आप कंप्लीट गाइड भी ले सकते हैं जिसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है साथ ही तैयारी के साथ साथ आपको उसकी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी कि आपके कौन से सब्जेक्ट में साथ ही कंप्लीट आपका कौन सा कितना स्कोर आ रहा है तो दोस्तों इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया और मार्केट से भी आप परचेज कर सकते हैं दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जहिंद जयराम